तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए चैनल में। तो सर, सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए न्यू एक पेटीएम का ऑफर लेके आया हूं, जिसके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप कैशबैक पॉइंट को इकट्ठा कर सकते हो अपने पेटीएम में और फिर इसको अपने बैलेंस में विड्रॉ कर सकते हो अपने वॉलेट में। तो चले चलते हैं फोन के स्क्रीन पर, आपको मैं पेटीएम पॉइंट पर आपके सामने मैं पेटीएम कैश में विड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर। सीधे गाइस, मैं अपने पेटीएम ओपन कर चुका हूँ और मैं आप सबके सामने कैशबैक पॉइंट को रिडीम करने वाला हूँ मैं अपना पेटीएम ऐप के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना कैशबैक पॉइंट रिडीम करके दिखा देता हूँ। सिंपली उसके लिए सबसे पहले आपको मैं अपना पासबुक चेक करा देता हूँ कि मेरे पेटीएम वॉलेट में भी कितने पैसे पड़े हुए हैं। आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, पैसे मेरे को मिले हैं। इसलिए तो सबसे पहले मैं अपना पेटीएम वॉलेट ओपन करता हूँ और देख सकते हैं अभी मेरे पास 0 रुपया अवेलेबल है, मतलब 0.65 पैसे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम है, मतलब मान के चलो है ही नहीं मेरे पास। तो और अब मैं अपना देख सकते हैं, मैंने अपना पासबुक चेक करा दिया आप सबको, और अब सर्च करता हूँ अपना कैशबैक, देख सकते हैं आप सभी के सामने। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कैशबैक, तो आप सबके सामने देख सकते हैं कैशबैक ऑप आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ से सर्च करके इस पर क्लिक करना है और मैं अपना कैशबैक अर्निंग का दिखा देता हूँ कि मेरे को कितना अर्निंग हुआ। देख सकते हैं 137 रुपये मेरे को अर्निंग हो चुका है अब तक टोटल, और देख सकते हैं कितने कितने अर्निंग है, कितने तारीख को अर्निंग है, 5 रुपये पे, 100 रुपये पे, 4 रुपये पे, 2.5 रुपये, 4 रुपये, बहुत सारे कैशबैक मेरे को रिसीव हुए हैं फ्रेंड। ठीक है, तो उसके लिए आप कैशबैक देख सकते हैं, मेरे पास कैशबैक पॉइंट पड़ा हुआ जो कि अभी 1000 कुछ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने मेरे पास, तो बूंगा देख सकते हैं 1129 कैशबैक पॉइंट पड़े हैं, जिसको मैं आज फिर से पेटीएम वॉलेट में आपको कन्वर्ट करके प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो इसको आपको कैसे ऐड करना है फिर से मेरे को बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसको आपको नीचे जाना होगा, यहाँ से कैशबैक, जैसे आप कैशबैक पॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और सिंपली आपको यहाँ से स्लाइड करते करते नीचे आना है। नीचे आपको दिखेगा, देख सकते हैं आप पर दिया हुआ पेटीएम 10 पेटीएम गिफ्ट वाउचर, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अगर 1000 आपको कैशबैक पॉइंट रहेगा तो 10 रुपये का पेटीएम गिफ्ट वाउचर मिलेगा, अगर 5000 रहेगा तो 50 रुपये का, 10000 रहेगा तो 100 रुपये का, अगर 25000 रहेगा तो आपको 250 रुपये तक का पेटीएम कैश मिल सकता है। तो यहीं से आपको मिलने वाला है फ्रेंड, पेटीएम फर्स्ट पॉइंट से आपको कैशबैक पॉइंट से आपको पेटीएम वॉलेट में पैसे मिलने वाला है। तो मैं इसको 10 रुपये वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करता हूँ और आप सबके सामने मैं सारा चीज़ कर रहा हूँ, तो आप सब वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपको समझ में आ जाए और 10 रुपये का आपको भी अर्निंग हो जाए यहाँ से। तो मैं अवेलेबल इतना पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, अवेलेबल फॉर 1000 पॉइंट, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा आप सभी के सामने देख लो यहाँ पर भूम गए 10 रुपये पेटीएम गिफ्ट वाउचर एट पेटीएम, देख सकते हैं मेरे को 10 रुपये का पेटीएम कैशबैक मिल चुका है। और मैं अपना फिर से आपको पासवर्ड चेक करा देता हूँ, तो मैं इसको कट करता हूँ, देख सकते हैं मेरे से कैशबैक पॉइंट मेरा जो है 1000 कट चुका है, बाकी 29 रुपये बच चुका है। जैसे पासबुक वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स, आप सबके सामने देख सकते हो भूम गए 10 रुपये मेरे को मिल चुका है पेटीएम गिफ्ट वाउचर, देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये मिल चुका है मेरे को पेटीएम गिफ्ट वाउचर। आप टाइमिंग देख सकते हो, मिला सकते हैं 1:17 मेरे को रिसीव हो गया, जो कि मैंने 1:16 में लगाया था, 1:17 मेरे को मिल चुका है, और देख सकते हैं कैशबैक पॉइंट 10 रुपये। तो आई होप फ्रेंड आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए कि आप पेटीएम कैशबैक पॉइंट को कैसे आप अपने पेटीएम कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप सभी को पसंद आया होगा हमारा वीडियो, और आपने जितने भी बंदे ने अगर कैशबैक पॉइंट को इकट्ठा कर रखा है तो आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। आपको 1000 कैशबैक पॉइंट का 10 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप 2000 होता है तो 20 रुपये, 3000 होता है 40 रुपये, आप उसको पेटीएम बैलेंस में विड्रॉ कर सकते हो, भी अपने वॉलेट में, उसको अपने बैंक में विड्रॉ कर लो या फिर जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो एक कमेंट कर दो आप वीडियो में प्लीज़, अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो थैंक।